सुप्रभात विद्यार्थी, आज हम क्लास 10 हिंदी विषय के अंतर्गत कवि की साखी का पुनरावर्तन करेंगे। कवि की साखी के जो कवि है वो स्वयं कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी भक्तिकालीन हिंदी निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि संत कवि माने जाते हैं। इन्होंने अनुभव ज्ञान को ही महत्व दिया। इनका जन्म काशी में हुआ था और बगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर के कुछ दोहे दिए गए हैं, उन दोहों के भावार्थ को हम जानते हैं। पहला दोहा है, ऐसी पानी को लिए मन का आता को अपना तन शीतल करे और पोषो। अर्थात पहले हम शब्दार्थों को जान लें। वाणी का अर्थ होता है भूमि, आपा का अर्थ होता है अहंकार, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, तन का अर्थ होता है शरीर और माने दूसरे को। तो प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण कामधारा के प्रतिनिधि संत कवि कालिदास द्वारा रचित है। प्रस्तुत जो दोहा है वह कबीरदास द्वारा रचित है। इस दोहे में कबीर ने मीठी वाणी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दोहे में कबीरदास ने मीठी वाणी पर प्रकाश डाला है। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे हमारे मन का अहंकार न जाए, अर्थात हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमें अहंकार रहित वाणी बोलनी चाहिए। अहंकार रहित वाणी बोलने से या मीठी वाणी बोलने से हमारे शरीर को भी ठंडक प्राप्त होती है तथा दूसरों को भी सुख मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि मीठी वाणी बोलने से हमारे तन को शीतलता प्रदान करता है और सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है। इसलिए मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए विद्यार्थी? मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कभी भी कर्कश शब्दों का प्रयोग नहीं करना। यह पहले दोहे में हमने समझा। तो पहला दोहा आज समझ गए। इस दोहे के अंदर वाणी की मधुरता के महत्व को दर्शाया। दूसरा दोहा देखते हैं विद्यार्थी। कस्तूरी कुंडल से फिर ढूंढे बनवा, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखी ना। यहां ईश्वर भक्ति कबीरदास जी इस साखी दोहे के माध्यम से ईश्वर की सृष्टि के वास्तु के संबंध में बताते हैं कि ईश्वर जो है वो खटखट में रहता है, हमें इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कबीरदास उदाहरण के द्वारा ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में स्थित होती है। कस्तूरी कस्तूरी जिनका होता है एक सुगंधित पदार्थ, जो सुगंधित पदार्थ होता है वो हिरण की नाभि में ही स्थित रहता है। कहा रहता है? हिरण की नाभि में ही स्थित रहते, परंतु वह मृग उसे वन में ढूंढता है, अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तूरी को नहीं जानता, अपने अंदर बसी हुई कस्तूरी के बारे में उसे पहचान नहीं पाता। यही स्थिति मनुष्यों की, कबीरदास जी कहते हैं यही स्थिति मनुष्यों की भी है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है और मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, अर्थात मनुष्य अपने भीतर ही ईश्वर को न ढूंढकर उसे प्राप्त करने के लिए जगह जगह पर भटकता रहता है। अर्थात हम उस अज्ञानी मृग की तरह हैं जो ईश्वर की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, जो कि ईश्वर हमारे अंतरात्मा में विराजमान है, हमें अपने अंतरात्मा में ही उन्हें ढूंढना चाहिए। तो इस दोहे में के माध्यम से कबीरदास जी ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य के हृदय में ही बताया है। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? मनुष्य के हृदय में। और किसका उदाहरण देकर बताया है? मृग का उदाहरण है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है और वह उसे वन में ढूंढता है,
वैसे ही ईश्वर हमारे मन में रहते हैं, हम उन्हें अन्य पूजा घरों स्थल गिरजाघरों या पूजा स्थलों में ढूंढते रहते हैं। धन्यवाद।